खालियों के, सड़कों के, गाँव में, शहर में, उन सब कामों में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि दो महीने बाद बारिश का समय आ जाएगा और फिर निर्माण के लिए नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुशी है कि पूरे विभाग के लोग, सब लोग सड़कों का जो भी हम लोगों ने काम सेंक्शन किया दुगनी गति से काम कराएंगे। और पीने के पानी के लिए मैंने कहा अधिकारियों से भी कि अभी तो कम गर्मियाँ हैं, लेकिन एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए शहर और गांव के अंदर। अभी से वो मैप तैयार करना है, क्योंकि जब गर्मी का महीना आता है तो एकदम से बहुत ही हाहाकार मचता है जब पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते। तो जो भी हमको प्लानिंग करनी है, बजट एलोकेशन करना है, रोड मैप बनाना है गर्मियों के महीनों के लिए, वो तैयारी अभी से कर लें ताकि लोगों को समय रहते उसकी राहत मिल सके। तो सब अधिकारी आज मौजूद थे, उनको निर्देशित किया कि गाँव शहर में और गाँव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को कायम। गाँव का जो दौरा हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर समीक्षा भी होती है और जो नए काम लोग चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि ज़्यादातर मांगे जो अब आ रही हैं गाँव से वो स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आ रही है। कोई स्कूल प्रनोमित करना चाहते हैं, कई स्कूलों के कमरों में वृद्धि करना चाहते हैं, चार दीवारी है, खेल के मैदान है। मुझे खुशी है कि संसाधन हम शिक्षा में लगा रहे हैं और चिकित्सा में लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि गाँव में पढ़ने वाले बच्चे, उनको ऐसे संसाधन हम उपलब्ध कराएं ताकि वो कंपटीशन में बैठ सकें और देश में, प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठकर वो सफल तब होंगे जब वो अच्छी शिक्षा वो प्राइमरी स्कूल से पा सकेंगे। मुझे खुशी है कि लोग मांग करते हैं कि विषय लगाओ अच्छे, मास्टर अच्छे लगाओ। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी जागरूकता लोगों में फैली, और मैं जहाँ तक मेरा विधायक कोष है, सरकार का पैसा है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग ज़्यादा किया जाए। वीरांगनाओं के मामले को लेकर बीजेपी अब सड़क पर है, पथराव भी हुआ है, किस तरीके देखते हैं उसको? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है पूरी? नहीं, मुझे लगता है सबको संयम से काम लेना चाहिए और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल भी मैंने कहा था जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सरहद पर खड़े हैं, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं खड़े, वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए जो वीरांगनाएं हैं उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं, और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। अगर एक नौकरी की है या दो नौकरी के बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसमें नियम संशोधन पहले भी हमें आगे हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जाए उसको गलत मानता हूँ। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए फैसला लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया कि वो फैसला ले, क्या लगता है कितने जल्दी फैसले आने चाहिए जैसे कि पार्टी मजबूती में? आपकी बात है आया है सर, आपने सर दो दिन से आप जिले के दौरे पे हो, अपने विधानसभा से खबर दी सैटेलाइट से, विधानसभा की दौरे पे हो, इसमें जो आपके भाषण लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनावी संकनाद कर दिया आपने। भाई हम तो चुनाव के लिए पांचों साल 24 घंटे तैयार रहते हैं, जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो वोट ले लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही है। लेकिन मेरी सक्रियता हो चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने में चुनाव भी है, तो चुनाव में तो हम लोगों को जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है, वो हम काम 24 घंटे करते हैं और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से, उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें इस दिशा में और तेजी से काम करना पड़ेगा।
आपने दो संवाद आपने बोले सर, तो ये कि नीली छतरी वाला सब देख रहा है, दूसरा ये कि नेता वो जो दिलों में बसता है, क्या इशारा है करिए? इसकी विवेचना चाह रहे हैं हम, क्या विवेचना है करिए? आखिर क्या इशारा कहाँ किया गया? मैं कोई इशारे करता नहीं, जो होता है खुले मन से बोलता हूँ और आप सबके सामने बोलता हूँ। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग अल्टीमेटली हम जनता ही जनार्दन है और हमारा पास फेल का निर्णय जनता ही करती है, तो जनता के सामने खुल के बात रखनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए और संवाद में मिलने में बात करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर किसी से मैं मिलता हूँ बात करता हूँ तो मेरा कुछ घिसता तो नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मुलाकात करने से बात करने से किसी का कुछ कम नहीं होता। कोई कम राजी हो, पूरा राजी हो, कुछ आधा संतुष्ट हो, लेकिन मुलाकात करके संवाद करके सब चीज़ों का हल निकल सकता है, मैं समझता हूँ।